नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जनरल नॉलेज के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अपडेट मिल सके हमारे चैनल की। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा डॉक्टर B.R. अंबेडकर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? तो हमारा आंसर होगा इब्राहिम लोधी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु रोट अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र जो बुक है वो किसने लिखी है? तो हमारा आंसर होगा कौटिल्य, जिनको कि चाणक्य भी कहा जाता है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबल प्राइज? पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने नोबल प्राइज जीता था? तो हमारा आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। हु इज नोन एज द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा ई श्रीधरन। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? पहले चीफ जस्टिस कौन थे सुप्रीम कोर्ट के? तो हमारा आंसर होगा जस्टिस हीरालाल जे कानिया। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया? इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा वुलर लेक। और ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। द स्टेट इन इंडिया विद मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया? इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है? तो हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश। कलिंग इज नाउ नोन एज? तो दोस्तों, कलिंग जो है उसको अब किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर होगा उड़ीसा। विच डैम इज द हाइएस्ट डैम ऑफ इंडिया? इंडिया का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा तेहरी डैम। लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? इंडिया की सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा वेस्ट बंगाल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लार्जेस्ट शुगर स्लैश शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? इंडिया में सबसे बड़ी शुगर या शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा उत्तर प्रदेश। हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया नाम से किसको जाना जाता है? तो हमारा आंसर होगा समुद्रगुप्त। विच इज द लार्जेस्ट स्टैचू इन वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये कहां पे है? ये है इंडिया में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ईच ईयर नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? नेशनल यूथ डे जो होता है वो कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा 12 जनवरी। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया? इंडिया के पहले मुस्लिम रूलर कौन थे? तो हमारा आंसर होगा मोहम्मद गौरी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बुक जो है वो किसने लिखी है? तो हमारा आंसर होगा महात्मा गांधी। इन विच इंडियन स्टेट इज द काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो हमारा आंसर होगा असम। द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया वॉज? इंडिया की पहली और आखिरी वुमेन रूलर कौन थी? तो हमारा आंसर होगा रजिया सुल्तान। आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? आर्मी डे जो होता है वो कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा 15 जनवरी। इन विच ईयर इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी वो कौन से ईयर में साइन हुई थी? तो हमारा आंसर होगा 1960। हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI? तो दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके न्यू चेयरमैन कौन है? तो हमारा आंसर होगा अरविंद सिंह। ऑन विच रिवर भाखड़ा नांगल डैम इज सिचुएटेड?
भाखड़ा नागल डैम जो है वो कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? तो हमारा आंसर होगा सतलुज रिवर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो हमारा आंसर होगा जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। द पोएट नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया वॉज, पैरट ऑफ इंडिया कौन से पोएट को कहा जाता था? तो हमारा आंसर होगा अमीर खुसरो। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के न्यू एमडी और सीईओ कौन है? एस एस मल्लिकार्जुन राव। न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के न्यू चेयरमैन कौन है? तो हमारा आंसर होगा रजनीश कुमार। ईयर ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर इज, बैटल ऑफ बक्सर कौन से ईयर में लड़ी गई थी? तो हमारा आंसर होगा 1764। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो होता है वो कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा 8 मई। हु इज द फाउंडर ऑफ इसरो, इसरो के फाउंडर कौन है? इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा आंसर है विक्रम साराभाई। वेयर इज नमेरी नेशनल पार्क सिचुएटेड, नमेरी नेशनल पार्क जो है वो कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर होगा असम। विच स्कॉलर फर्स्ट यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन जो टर्म है उसको किसने यूज करा था पहली बार? तो हमारा आंसर होगा जॉन मार्शल। करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, इंडिया के करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? तो हमारा आंसर होगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन, आरबीआई जो है वो कौन सी तारीख को एस्टेब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935। वॉट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध जो है उनका असली नाम जो है वो क्या था? तो हमारा आंसर होगा सिद्धार्थ। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ब्रजराज शर्मा। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी के न्यू चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो हमारा आंसर होगा एम आर कुमार। वेयर गौतम बुद्ध पास्ड अवे, गौतम बुद्ध जो है उनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? तो हमारा आंसर होगा कुशीनगर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO करंट प्रेसिडेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो हमारा आंसर होगा टेड्रोस एडनोम। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नासा लोकेटेड, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर होगा वॉशिंगटन डीसी यूएसए। वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ, डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हमारा आंसर होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्ट ऑफ G20 समिट, G20 समिट की कितनी कंट्रीज पार्ट हैं? तो हमारा आंसर होगा 19 कंट्रीज। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ WTO, WTO जो है उसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? WTO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा आंसर होगा रॉबर्ट एजिवेडो। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 2019 नोबल पीस प्राइज, 2019 नोबल पीस प्राइज से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर होगा अबी अहमद अली। विनर ऑफ फर्स्ट फुटबॉल रत्न अवार्ड 2019, तो हमारा आंसर होगा सुनील छेत्री। भारत रत्न 2019 अवार्ड विनर्स, तो हमारा आंसर है भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख। हु हैज बीन अवार्डेड विद वीर चक्र 2019,
वीर चक्र 2019 से किसको सम्मानित किया गया है? विंग कमांडर अभिनंदन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज फाउंड किसने करा था? दयानंद सरस्वती। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2019? दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2019 से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर होगा अमिताभ बच्चन। इन विच स्टेट डज द सन फर्स्ट एंटर इंडिया? इंडिया में पहली कौन सी जगह होती है जहां पर सूरज की किरण पड़ती है? तो हमारा आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। विच सिटी हैज वन स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 अवार्ड? स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 अवार्ड कौन सी सिटी ने जीता है? तो हमारा आंसर होगा इंदौर। बिहू इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? बिहू जो है वो कौन सी स्टेट का एक फेमस फेस्टिवल है? तो हमारा आंसर होगा असम। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द स्वच्छ अम्बेसडर अवार्ड 2019? स्वच्छ अम्बेसडर अवार्ड 2019 से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। इन विच कंट्री वॉज पेपर इन्वेंटेड? पेपर का इन्वेंशन कौन सी कंट्री ने करा था? तो हमारा आंसर होगा चाइना। पोंगल इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? पोंगल जो है वो कौन सी इंडियन स्टेट का एक फेमस फेस्टिवल है? तो हमारा आंसर होगा तमिलनाडु। व्हेन एंड वेयर डिड द जलियांवाला बाग मैस्कर हैपेंड? जलियांवाला बाग मैस्कर जो हुआ था वो कब और कहां पे हुआ था? तो हमारा आंसर होगा 1919 AD अमृतसर में। हु इज नोन एज पंजाब केसरी? पंजाब केसरी नाम से किसको जाना जाता है? तो हमारा आंसर होगा लाला राजपत राय। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ रशिया? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल। तो रशिया का जो हाईएस्ट अवार्ड है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल, उससे किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर होगा नरेंद्र मोदी। व्हेन डिड दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली इंडिया की कैपिटल कब बनी थी? तो हमारा आंसर होगा 1911। ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय? ब्रह्म समाज की जो फाउंडेशन करी है वो किसने करी थी? तो हमारा आंसर होगा राजा राममोहन रॉय। विच कंट्री इज नोन एज कंट्री ऑफ सनराइज? कंट्री ऑफ सनराइज से किस कंट्री को जाना जाता है? तो हमारा आंसर होगा जापान। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किए जाते हैं? तो हमारा आंसर होगा 10 दिसंबर। ओनम इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? ओनम जो है वो कौन सी स्टेट का एक फेमस फेस्टिवल है? तो हमारा आंसर होगा केरला। वॉट इज द ड्यूरेशन ऑफ सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम? नेशनल एंथम जो है उसका ड्यूरेशन कितना है सिंगिंग का? तो हमारा आंसर होगा 52 सेकेंड्स। ओनली इंडियन टू रिसीव नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? इकलौते कौन से भारतीय हैं जिनको नोबल प्राइज दिया गया है इकोनॉमिक्स में? तो हमारा आंसर होगा अमर्त्य सेन। व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड? हिंदी डे जो होता है वो कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा 14 सितंबर। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो हमारा आंसर होगा 206 बोन्स। हाउ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 8th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कितनी लैंग्वेजेस हैं जो कि रिकॉग्नाइज करी गई हैं? तो हमारा आंसर होगा 22 लैंग्वेजेस। हु इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया? शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो हमारा आंसर होगा कालिदास। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड? सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाली कौन सी कंट्री है सिल्वर की? तो हमारा आंसर होगा मैक्सिको। विच बोन इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी?
ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है? स्टेप्स, ये कहाँ पे होती है? ये होती है ईयर्स में। द मैकमोहन लाइन इज बॉर्डर बिटवीन, मैकमोहन लाइन जो है वो कौन सी दो कंट्रीज का बॉर्डर है? तो हमारा आंसर होगा इंडिया एंड चाइना। विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया, एरिया में सबसे छोटी कंट्री कौन सी है पूरी दुनिया की? तो हमारा आंसर होगा वेटिकन सिटी। विच बोन इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी लंबी बोन जो होती है वो कौन सी होती है? तो हमारा आंसर होगा फेमर, फेमर जो होती है ये थाई बोन होती है जो कि प्रेजेंट होती है थाई में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द हॉपमैन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, हॉपमैन कप जो होता है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड होता है? तो हमारा आंसर होगा टेनिस। फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया, इंडिया में पहली बार इमरजेंसी कब लागू करी गई थी? तो हमारा आंसर होगा एट द टाइम ऑफ चाइनीज अटैक, 26 अक्टूबर 1962 में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हमारा आंसर होगा मुंबई, जो कि कैपिटल है महाराष्ट्र स्टेट की। विच गैस इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सी गैस यूज करी जाती है? तो हमारा आंसर होगा रेडॉन। विद विच कंट्री इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री, इंडिया जो अपनी बाउंड्री है वो सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री से शेयर करती है? तो हमारा आंसर होगा बांग्लादेश। नेम द एसिड दैट सिक्रीट्स इन स्टोमक, स्टोमक में कौन सा एसिड सिक्रीट होता है? तो हमारा आंसर होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय, ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं उनकी खोज किसने करी थी? तो हमारा आंसर होगा लैंड स्टेनर। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूड नोन एज बाइल, ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन होता है जो कि प्रोड्यूस करता है बाइल? तो हमारा आंसर होगा लिवर। व्हाट इज द वेट ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट जो होता है उसका वेट कितना होता है? तो हमारा आंसर होगा 250 से 350 ग्राम्स। विच आर नोन एज दी सुसाइड बैग्स ऑफ सेल, सुसाइड बैग ऑफ सेल किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा लाइसोसम्स। वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन फीमेल, फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कौन से पार्ट में अकर होता है? तो हमारा आंसर होगा फेलोपियन ट्यूब। इन विच पार्ट ऑफ बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो स्टार्ट होता है वो कौन से पार्ट में स्टार्ट होता है? तो हमारा आंसर होगा स्टोमक। वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर होगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन, कंप्लीटली डाइजेस्ट जो होता है फूड वो कहाँ पे होता है? तो हमारा आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। नेम द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? तो हमारा आंसर होगा थाइलाकॉइड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स डिसीज, एड्स डिसीज जो होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो हमारा आंसर होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा हिपोक्रेट्स। विच गैस इज सेफ एंड इफेक्टिव एक्सटिंग्विशर, तो हमारा आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट, रेड प्लेनेट के नाम से कौन से प्लेनेट को जाना जाता है? तो हमारा आंसर होगा मार्स। हु डिस्कवर्ड दैट प्लांट्स हैव लाइफ, प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी लाइफ होती है, इसकी खोज किसने करी थी? तो हमारा आंसर होगा जेसी बोस। विच बैंक हैज मोस्ट ब्रांचेस इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा ब्रांच कौन से बैंक की है पूरी दुनिया में? तो हमारा आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विच इज नोन एज कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स,
कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स कौन सी को कंट्री को कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा थाईलैंड। विच सिटी इज नोन एज सिलिकन वैली ऑफ इंडिया? सिलिकन वैली ऑफ इंडिया के नाम से कौन सी सिटी को जाना जाता है? तो हमारा आंसर होगा बेंगलुरु। विनर ऑफ आईसीसी ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2020? आईसीसी ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर होगा रोहित शर्मा। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 विनर? नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 किसने जीती है? तो हमारा आंसर होगा साइना नेहवाल और सौरभ वर्मा। विनर ऑफ फीफा अवार्ड 2019? फीफा अवार्ड 2019 से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर होगा लियोनेल मेसी। तो दोस्तों ये हमारे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।